पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के खराब प्रदर्शन पर अभी मंथन चल ही रहा था कि जनपद के कई ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख के स्वघोषित स्वयंभू भाजपा प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने लगे, जिससे उन्नाव की सियासत में गहमा गहमी मच गई और भाजपा से टिकट व समर्थन मिलने का दम भरने वाले स्वघोषित प्रत्याशियों की हिस्ट्री सीट खंगाली जाने लगी तो कई चोर और कई ठग बाहर निकल आए, जिसमें से पूर्वा ब्लॉक के तथाकथित भाजपा नेता सतीश चौधरी का नाम सबसे पहले सुर्खियों में आ गया और उनके सरकारी अध्यापक बेटे के कारनामे उजागर होने शुरू हो गए। दरअसल सतीश चौधरी के दोनों बेटे सरकारी अध्यापक हैं, बावजूद इसके उन्होंने बैनर पोस्टर लगाकर अपने पिता और माता का प्रचार किया, जिससे कि खबरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही। तो वहीं अब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सर पर है, तब भाजपा प्रत्याशी होने का दावा करने वाले सतीश चौधरी की फोटो भी खूब वायरल हो रही है, जिसमें चौधरी साहब अपने पूर्वा ब्लॉक के भाजपा समर्थित प्रत्याशी बताकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। जबकि भाजपा जिलाध्यक्ष की माने तो पार्टी के द्वारा अभी तक किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। भाजपा ने भी सिंबल किसी को दिया नहीं है, फिर भी कुछ लोग जो है भाजपा का सिंबल लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लूट मचा रखे हैं, कई लोगों से वायरल हुए हैं वीडियो वगैरह, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो पार्टी की गाइडलाइन का जो विषय तय हम लोगों का है, अभी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष को लेके ही सक्रिय है और उसी पे अपना फोकस है, वही हमारा काम है। पार्टी की जो गाइडलाइन में है कि जैसे ही चुनाव संपन्न होगा उस समय जो हम लोग कहा जाएगा उस पर नीचे जाके ब्लॉक पर हम चर्चा करेंगे। उसके लिए प्रक्रिया है कि मंडल हैं नीचे और वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनकी राय और उनकी चर्चा के बाद हमारे पास पैनल एक आता है, पैनल के आधार पर फिर यहाँ जिला उसको कुछ लगेगा संशोधन परिवर्तन करके उसको आगे बढ़ा देगा। घोषित तो करना क्षेत्र और प्रदेश को ही है, अभी किसी टिकट कहीं पे भी नौ जनपद में किसी का भी टिकट फाइनल नहीं है अधिकृत रूप से, यही हमारा कहना। उन्नाव से केकेटी न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हिंदू समाज की पंचायत करना मेवात में रह रहे हिंदुओं को मजबूती दिलाना था। विधायक संजय सिंह ने कहा कि आसिफ हत्याकांड मामले में निर्दोषों को रिहा कराने के लिए इंद्री गांव में जो महापंचायत का आयोजन किया गया था, मेवात में रह रहे हिंदू समाज के लोगों को एक मजबूती दिलाना था, जिससे हिंदुओं में एकता का परिचय पहुंच सके। विधायक संजय रविवार को सोहना पलवल मार्ग पर स्थित श्री महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित सद्भावना मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग की अध्यक्षता समाज सेवी रतन सिंह स्रोत पलवल द्वारा की गयी थी। जलेबी हाथ नीचे रखो बस, बोलो बोलो। पूछे विधायक जी, क्या पंचायती क्या निर्णय ले गया? एक सद्भावना कमेटी की आज बैठक हुई है, जिसमें जो आगामी हमारे आपस में भाईचारा खराब ना हो उसको लेकर कमेटी ने तय किया कि भाई आपस में समाज के लोग मिल बैठकर कोई भी अगर बड़ा मुद्दा आता है उसको बैठकर सुलझाने का काम करेंगे। तो सर, इससे क्या ऑक्सीजन मिलेगी? जिस तरह पंचायत, इसका उद्देश्य क्या था जो आज पंचायत हुई है? पंचायत का सर्व उद्देश्य ये था कि जो ये कांड जो हुआ था जिसमें जो दोषी लोग जिनका सरकार में जो FIR में नाम दर्ज थे वो अरेस्ट हैं, निर्दोष व्यक्तियों को प्रशासन ने जो छोड़ा है और आने वाले समय में जो हमारे निर्दोष व्यक्ति और हैं उनको भी प्रशासन रिहा करे, ये बात थी। दूसरा, आपस में भाईचारा बना रहे इसके लिए सद्भावना जो कमेटी बने। कड़ा निर्देश या कोई निर्देश नहीं, तो आपस में भाईचारा बना रहे, कोई भी विषय अगर बड़ा ऐसा अपराध ऐसा होता है उसमें मिल बैठ करके उसको बैठ इस तरीके की बातें भी सामने आई है। विधायक जी, मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी कमेटी मिलेगी, उनके मौजूद लोगों से? हाँ, उन बात करेंगे उनसे भी कि देखो ऐसी बातें हैं, उन चीज़ों को ज्यादा ना बढ़ाए करें, आपस में बैठ करके उसका समाधान करें। विधायक जी, कितने मतलब मुलजिम रह गए हैं, मतलब उसमें आरोपी गुरुग्राम के सोहना से KKT न्यूज संवाददाता अशोक गर्ग की रिपोर्ट।